खरगोन न्यायालय में 9 दिसंबर 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें प्रथम जिला न्यायाधीश जेसी मिश्रा ने एक बैठक ली। बताया जा रहा है कि आपसी वैमनस्यता दूर करने का उद्देश्य और नगर पालिका बैंक मामलों के अलावा बिजली विभाग के लंबित मामलों का समझौता करने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रथम जिला न्यायाधीश जेसी मिश्रा ने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि आयोजन में शामिल होकर शासन की मंशा को मूर्त रूप प्रदान करें। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सुनील कुमार जैन साहब के मार्गदर्शन में इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत दिनांक 9 दिसंबर को आयोजित की गई है। इसमें दो तरह के प्रकरण रखे गए हैं, जिनमें से कुल न्यायालय में लंबी 393 प्रकरण हैं और वहीं पर प्री लिटिगेशन के प्रकरण अभी तक 2020 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से नगर पालिका के 925 प्रकरण, बैंकों के 800 प्रकरण, विद्युत मंडल के 125 प्रकरण और बीएसएनएल के 170 प्रकरण शामिल हैं। कुल इन सारे प्रकरणों की सुनवाई के लिए कुल 7 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें न्यायाधीश के साथ साथ 2 अन्य सदस्य भी बैठेंगे, जिनमें से एक हमारे विद्वान अधिवक्ता होंगे और एक समाज सेवी व्यक्ति शामिल होंगे। और इन खंडपीठों के द्वारा इन सभी मामलों का की सुनवाई की जाएगी और राजीनामा के द्वारा प्रकरणों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। क्या अपील करना चाहते हैं सर? मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ये जानकारी सब जन सामान्य तक पहुंचे, ताकि जिनके मामले यहाँ पर लंबित है वो लोक अदालत में भाग लेकर के अपने मामलों का निराकरण कराएं और लोक अदालत की योजनाओं का लाभ उठाएं। जैसे विद्युत मंडल और नगर पालिका, बैंक, सभी जो है लोक अदालत के लिए छूटों की घोषणा करते हैं, तो सभी की ओर से छूटें घोषित की गई हैं। अगर कोई व्यक्ति लोक अदालत में राशि जमा करता है तो जो हर संभव छूट है वो उनको प्राप्त होती है। इसी तरीके से जो कोर्ट में उनके मामले लंबित हैं, अगर राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा तो उनका समय बचेगा, उनका जो है धन बचेगा। जो कोर्ट फीस लगाई गई है लोक अदालत में निराकृत होने पर, वो कोर्ट फीस उनको माफ हो जाएगी और वापस हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है आपसी वैमनस्यता समाप्त हो जाती है, तो ये बात जन जन तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोग जो है लोक अदालत में शामिल हों और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।